शुरू हो चुका है। बीजेपी में सीएम फेस को लेकर कवायद लगातार तेज कर दी गई है। कई बैठकों का दौर भी जारी है, साथ ही साथ पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति कर ली गई है। जी हां, तीनों ही पर्यवेक्षक जल्द जयपुर आ सकते हैं, ये बड़ी सूचना इस वक्त की सामने आ रही है। हालांकि अभी विधायकों को कोई कॉल नहीं गया है, विधायकों की बैठक कब होगी, विधायक दल की मीटिंग को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर फिलहाल यही है कि जो तीन पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो विधायकों से बातचीत करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विधायक किसे सीएम बनाना चाहते हैं, वो जल्द जयपुर जा सकते हैं और विधायकों की बैठक हो सकती है। फिलहाल विधायकों के पास बैठक के लिए कोई कॉल नहीं गया है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है। तो विधायक दल की बैठक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने खुद बता दिया था कि सबसे पहले पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी, उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, बैठक में फैसला होगा कि विधायक किसे सीएम बनाना चाहते हैं, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, ये रिपोर्ट आलाकमान के पास जाएगा और अंतिम फैसला आलाकमान का होगा कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री राजस्थान का। तो विधायक दल की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि एक एक कर जो स्टेप आगे बढ़ाने हैं, बीजेपी को जो कवायदें की जानी है उसे तेज किया गया है। अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, माना जा रहा है कि कुछ ही समय में, कल या परसों तक ये पता चल जाएगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि पर्यवेक्षकों की अब नियुक्ति कर ली गई है और बड़ी सूचना यह है कि जल्द ही पर्यवेक्षक जयपुर जा सकते हैं, जहां पर विधायक दल की एक बड़ी बैठक होगी। जो विधायक चुनकर आए हैं वो बताएंगे कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, वो अपनी रजामंदी बताएंगे कि वो किसे चाहते हैं मुख्यमंत्री बनाना, उसके बाद आलाकमान इसी के हिसाब से एक रिपोर्ट तैयार करेगा और ये रिपोर्ट जब पर्यवेक्षक देंगे आलाकमान को, तो आलाकमान इस पर फैसला करेगा। तो एक बड़ी जिम्मेदारी होगी न सिर्फ आलाकमान पर कि वो मुख्यमंत्री तय करे, बल्कि उस मुख्यमंत्री पर भी जिसे अगले 5 साल राजस्थान की कमान सौंपी जाएगी, क्योंकि दावे कई बड़े बड़े बीजेपी की ओर से किए गए हैं और उन तमाम दावों पर, वादों पर मुख्यमंत्री को खरा उतरना होगा। जो हालात, जैसा कि बीजेपी ने बताया कि खराब है राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उसे भी सुनिश्चित करना होगा। महिला सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा जो बीजेपी की ओर से उठाया गया, महिलाओं को सुरक्षा भी देना होगा बीजेपी को, जैसा कि इससे पहले वादा किया गया मैनिफेस्टो में। कई और बड़े ऐलान बीजेपी की ओर से किए गए हैं और इन तमाम वादों को जो मुख्यमंत्री बनेगा उसे पूरा भी करना है। और बड़ी चुनौती ये भी है, चूंकि अब लोकसभा चुनाव में भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर भी राजस्थान में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करे, ये जिम्मेदारी भी अगले मुख्यमंत्री के कंधों पर ही होने वाली है। और यही वजह है कि शायद बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी तरीके की कोई दिक्कतें आए, रजामंदी से सर्वसम्मति से एक सीएम चुनकर आए जो अगले 5 साल राजस्थान में काम करे जिम्मेदारी के साथ। और यही वजह है कि काफ़ी ज़्यादा गहन चिंतन और मंथन किया जा रहा है। अब पर्यवेक्षक बना लिए गए हैं, वो तीन पर्यवेक्षकों की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जिन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो जयपुर जाएंगे, विधायक दल की बैठक लेंगे, रायशुमारी करेंगे और उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार करेंगे कि कौन होना चाहिए अगला मुख्यमंत्री। सहयोगी सौरभ इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि पर्यवेक्षक किसी भी समय जयपुर जा सकते हैं और इसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। जी बिल्कुल, देखिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद अब यही संभावना है कि संभवतः शाम तक या फिर देर रात या फिर कल अर्ली मॉर्निंग जो है वो तीनों ही पर्यवेक्षक जो है वो राजस्थान आ सकते हैं और जयपुर में संभवतः बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में ही जो है वो विधायक दल की बैठक हो। लेकिन जिस प्रकार से राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया, ये कई मायनों में जो है वो अहम है। आप देखिए, बीजेपी जो है वो, अब की जो बीजेपी वो काफी कुछ बदल चुकी है। अब संगठन ही जो है वो सर्वोपरि है और जिस प्रकार की लॉबिंग की बात आ रही है, बाड़ेबंदी की बात आ रही है, तमाम नेताओं के नाम जो है वो चल रहे हैं, तो अब किसी भी प्रकार के कयास या किसी प्रकार की लॉबिंग जो है वो काम नहीं करेगी। अब जो संगठन चाहेगा वही कुछ सब कुछ होगा। ना सिर्फ बीजेपी को अभी सीएम फेस तय करना है, इसके अलावा डिप्टी सीएम कौन होगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा और बीजेपी जब सत्ता संभालेगी उसके बाद पहला निर्णय क्या लिया जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं जो है वो शुरू हो चुकी हैं। पार्टी के अंदर बड़े नेता जो है वो इसे लेकर
मशक्कत जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि सीएम फेस के बाद दो डिप्टी सीएम की चर्चाएं जो है वो चल रही हैं, उसमें जाति सोशल इंजीनियरिंग जो है वो करनी होगी, क्या एससी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, क्या ओबीसी को जो है वो डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, या फिर किसी अन्य को, अन्य जाति को जो है वो डिप्टी सीएम या फिर सीएम की कुर्सी को दी जाएगी, मंत्रिमंडल में किस प्रकार से जो है वो तमाम क्षेत्रों को साधना है, जहां जहां बीजेपी जीती है वहां के तो लोगों को, विधायकों को मंत्रिमंडल में लेना ही है, लेकिन जहां पर कमजोर प्रदर्शन रहा है, जैसे बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में पांच में से बीजेपी जो है वो चार सीटें जो है वो हार चुकी है, तो वहां पर किस प्रकार से, क्योंकि 2024 जो है वो जीतना है, तो वहां से किसे जो है वो प्रतिनिधित्व जो है वो दिया जा सकता है मंत्रिमंडल में, तो उसको लेकर भी जो है वो मशक्कत जारी है मीडिया में, और आम चर्चा ये है कि सीएम फेस को लेकर जो है वो चर्चा चल रही है, लेकिन सिर्फ सीएम फेस नहीं है, डिप्टी सीएम है, मंत्रिमंडल है, और उसके बाद अगर बीजेपी सत्ता संभाल रही है अगले दो दिन में, तो फिर बीजेपी का अगले दस दिन में किस प्रकार का जो है वो निर्णय होंगे, बीजेपी सत्ता संभालने के बाद पहला क्या निर्णय लेती है, क्योंकि एक मैसेज देना है, छह महीने का वक्त जो है वो लोकसभा चुनाव का है, तो पार्टी को एक मैसेज देना है कि आम जनता में ये एक पॉजिटिव मैसेज जाए कि हाँ भाई बीजेपी अगर सत्ता में आई है तो उसने सबसे पहला निर्णय ये लिया है, क्या कर्ज माफी को लेकर कोई निर्णय हो सकता है, क्या किसानों को लेकर, क्या युवाओं को लेकर, क्योंकि पेपर लीक बहुत बड़ा इशू जो है वो राजस्थान में बना था, तो क्या युवाओं के मद्देनजर किसी प्रकार का निर्णय हो सकता है, ईआरसीपी, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एक दोनों में, दो स्टेटों में जो है वो एक बड़ा विषय रहा था, तो क्या उन दोनों को मिलाकर कोई ऐसी बातचीत शुरू की जाए कि उन 13 जिलों में जहां पर पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी गुजर रही है, तो वहां पर जो है वो एक सकारात्मक संदेश जो है वो जाए, तो इन तमाम पहलुओं पर पार्टी जो है वो विचार कर रही है, और राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के रूप में आ रहे हैं, तो क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, दोनों में ही कम सीनियर जो है वो नेता भेजे गए, राजनाथ सिंह को यहाँ भेजने का मकसद ये है कि ये यहाँ पर तमाम जिस प्रकार की लॉबिंग चल रही है, तो तमाम विधायकों को ये स्पष्ट संदेश देना है कि जो तय करना है जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है, आला कमान को तय करना है, विधायक अपनी राय जरूर बता सकते हैं क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, विधायक अपनी राय बनाए, लेकिन पार्टी भविष्य का सोचकर, भविष्य में किस प्रकार से बिल्कुल आप तो मौजूद भी हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर सौरभ, वहां पर हलचल भी आप देख पा रहे होंगे। दिल्ली से सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखवीर, एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं सौरभ की, डिप्टी सीएम जातीय समीकरण को देखकर चुना जा सकता है, कौन कौन है रेस में डिप्टी सीएम के, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर तो कई सारे नाम लगातार सामने आ रहे हैं, गिना भी रहे हम, डिप्टी सीएम के रेस में कौन है? जी देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की तर्ज उत्तर प्रदेश मॉडल की तर्ज पर अगर कोई फैसला होता है राजस्थान में कि मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री अटैच किए जाते हैं, तो निश्चित ही जातिगत समीकरणों को साधते हुए ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि रेस में जो नाम आप पूछ रही हैं, तो स्वाभाविक तौर पर रेस में कई नाम हैं, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, तो स्वाभाविक है कि वो उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और एक बात महत्वपूर्ण ये भी है कि अगर सवर्ण बिरादरी से कोई मुख्यमंत्री बनता है, तो स्वाभाविक है कि दलित और मूल ओबीसी एक उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे एक एक, और अगर दलित उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनता है, तो सवर्ण और फिर मूल ओबीसी का कोई उप मुख्यमंत्री हो सकता है। हालांकि स्पष्ट तौर पर नाम उप मुख्यमंत्री के लिए भी ना नहीं कहा जा सकता, जैसे कि मुख्यमंत्री के लिए नाम स्पष्ट नहीं हो जाता जब तक, तब तक ये डिक्लेरेशन नहीं हो सकता कि आखिरकार उप मुख्यमंत्री कौन होंगे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मॉडल राजस्थान में लागू होता है, तो निश्चित ही मुख्यमंत्री के साथ दो उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, जो कि सशक्त तौर पर सरकार चला सके और जातिगत समीकरणों को साधा जा सके, मैसेज डिलीवरिंग हो, और जो बीजेपी का उद्देश्य है कि न सिर्फ 2024 का लोकसभा चुनाव साधा जाए, बल्कि अगले डेढ़ दशक तक राजस्थान में पार्टी को मजबूत किया जाए, और जो परिपाटी चली आ रही है हर पांच साल में सत्ता परिवर्तन की, उसको तोड़ते हुए, उसको भेदते हुए बीजेपी इस ये भी बड़ी चुनौती है कि अगली बार बीजेपी को रिवाज बदलना है लखवीर, क्योंकि अब जैसे जैसे काउंटडाउन शुरू हो चुका है, दिलों की धड़कनें बढ़ गई होंगी, जो नेता सीएम की रेस में है, जो डिप्टी सीएम की रेस में है, पहुंच गए हैं क्या दिल्ली, क्या हलचल इस वक्त दिल्ली में?
पॉजिटिव लेना आपकी चिंता जी। बिल्कुल, जयपुर से लेकर दिल्ली तक हलचले तेज हैं और अधिकांश नेताओं का दिल्ली में डेरा जमा हुआ है। हालांकि कुछ लोग उनमें से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो निश्चित ही उनको दिल्ली रहना होगा। हाँ। लेकिन अन्य जो नाम है वो भी लगातार दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं, अपनी तरफ से लॉबिंग कर रहे हैं। कुछ नेता उत्साहित हैं, कुछ नेता नर्वस भी हैं, कुछ नेता टेंशन में भी हैं स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि एक बार चर्चाओं में नाम आने के बाद में अगर उनका नाम मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पद पर नहीं होता है तो निश्चित ही चिंता स्वाभाविक भी है, क्योंकि तमाम लोग मेहनत करते हैं, तमाम लोग लॉबिंग करते हैं, उत्सुकता होती है, इंतजार होता है, क्योंकि काफी की पोस्ट है, काफी महत्वपूर्ण पद है। हाँ। और निश्चित ही हर व्यक्ति जो कि राजनीति में है, राजनीतिक क्षेत्र में है, वो चाहता है कि वो मुख्यमंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक की कुर्सी तक पहुंचे। इसलिए तमाम लोगों के बीच उत्सुकता है, इंतजार है और तमाम लोग लॉबिंग भी कर रहे हैं। हालांकि इनमें से किस एक नाम पर मुहर लगेगी, कौन सा वो नाम होगा जिसके नाम की चिट्ठी खुलेगी, ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन तमाम नाम जो चल रहे हैं, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अश्विनी वैष्णव, ओम प्रकाश माथुर, ओम बिड़ला, दिया कुमारी, महंत बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये तमाम वो नाम है जो कि चर्चाओं में सबसे ज्यादा है। ऐसे में स्वाभाविक है कि इनमें से किसी तो एक कई नाम को चर्चाओं में है, अटकलें कई सारी लगाई जा रही है। कुछ ही समय में तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी और ये पता चल जाएगा कि कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। सौरभ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या हालचाल इस वक्त कार्यालय पर? जी बिल्कुल, देखिए नव निर्वाचित जो विधायक है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात है। जीत के बाद जो है वो तमाम विधायक यहां पर पहुंच रहे हैं। हमीर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, अब विधायक दल की बैठक कब होनी है? ये अभी जैसे पर्यवेक्षक नियुक्ति हो गई है तो अपने विधायक दल की बैठक की भी तारीख जल्दी आ जाएगी। और भाजपा ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और राजस्थान में 5 साल की जो कई तरह की विसंगतियां थी उनको दूर करके अच्छा राज्य चलेगा और कार्य होंगे जो किसान गांव गरीब से लगाकर मोदी जी की जो नीतियां हैं, मोदी जी ने जो सबको देने का जो वादा किया है वो सारा मिलेगा। लेकिन अब मुख्यमंत्री को लेकर तो तमाम तरह के कयास लग रहे हैं, अब मंत्रिमंडल को लेकर भी जो है वो चर्चाएं शुरू हो चुकी है। क्या लगता है पश्चिम राजस्थान को किस प्रकार का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, तय है। और नेतृत्व जो संगठन हमेशा देता है इस हिसाब से जो देगा वो सारे सबको स्वीकार होगा। हमें जनता को राहत कैसे मिले, भारतीय जनता पार्टी को राज करने के लिए आपत करके नहीं बनती है। एक जनता तक स्वराज कैसे हो, लोगों का काम कैसे हो, जो कि 5 साल में ऊर्जा विभाग से लगाकर सहकारिता विभाग से लगाकर सारी भुगत रही है। बोले ये हालत होगी, पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है और सारी चीजों से परेशान है। इसी वजह से ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी भाजपा का राज बनेगा। राज बनने के बाद में जो विश्वास जनता ने विश्वास किया आदरणीय मोदी जी पे और भारतीय जनता पार्टी पे, उस पे हम खरा कैसे उतरे। जनता को तो आपने कई तरह के वादे किए हैं, पेपर लीक का मामला जो उठाया आपने, कई तरह के ओके। लेकिन क्या लगता है आपको, क्योंकि अब शपथ ग्रहण समारोह भी अगले कुछ दिनों में होने वाला है, बीजेपी पहला निर्णय क्या ले, क्या ऐसा काम करे जिससे जनता को तुरंत रिलीफ मिले? मतलब सबसे पहले तो युवाओं के साथ में जो चला हुआ 21 बार जो पेपर लीक हुआ है, इस पे बिल्कुल तय होके इसको रोक कैसे लगे, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, पीने का पानी कैसे मिले, ऊर्जा विभाग में जो किसान भुगत रहे हैं उनको सारा कैसे मिले, स्कूलें सारे खाली पड़ी है, कॉलेजेस खाली, लेक्चरर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, टीचर्स नहीं है, वो कैसे व्यवस्था हो, इसके लिए सरकार मिलकर वो कार्य सबसे प्राथमिकता के तौर पर करेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये हमीर सिंह बायल साहब है जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो जो वादे किए हैं उन वादों को अब पूरा करने का वक्त जो है वो आ चुका है और अब निर्णय लेने का वक्त है। तो संभवतः बीजेपी जब शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके बाद संभवतः कोई बड़ा निर्णय भी ले सकती है, ताकि कोई एक बड़ा मैसेज प्रदेश की जनता को जाए। जी बिल्कुल सौरभ, तो कई सारे नाम भी सामने हैं, हालांकि विधायक ये कह रहे हैं कि बीजेपी से ही कोई चुनकर सीएम बनेगा, कोई नाम फिलहाल लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप नजर बना रखिएगा वहां पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।